मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना पुलिस के बड़ी सफलता हाथ लगी बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव के मद्देनज़र पुलिस घुमा नहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने एक संदिग्ध ऑल्टो कार को रोका तो कार में भारी मात्रा में अवैध हथियार और अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए, जो बागपत, सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ के साथ कई जनपदों में बेचे जाते थे। और साथ ही पुलिस ने कार से एक युवक को भी गिरफ्तार किया, लेकिन चेकिंग के दौरान आरोपी युवक का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 12 मुकदमे थाने में दर्ज हैं और पुलिस ने पूछताछ करने के बाद आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। देखिए, काफी दिन से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कहीं पे तमंचे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी जानसठ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। आज इंस्पेक्टर मीरापुर को ये सूचना मिली थी कि एक मोबाइल में चलते हुए तमंचे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर इन्होंने प्रभावी कार्यवाही करते हुए भूमा के पास से एक ऑल्टो कार बरामद की, जिस कार में पूरी तमंचे बनाने की पूरी फैक्ट्री थी। करीब 15 बने हुए तमंचे और 13 अधबने तमंचे और पूरी फैक्ट्री जो बनाने की थी, उसके साथ एक अभियुक्त औरंगजेब को पकड़ा गया है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये पता चला है कि जैसे जैसे इसको ऑर्डर मिलते थे, ये घूम घूम करके तमंचे बना करके वहीं सप्लाई कर देता था, क्योंकि एक जगह बनाने में इसको डर था कि कहीं पुलिस को सूचना मिल जाएगी, लीक हो जाएगी और पकड़ा जाएगा। लेकिन प्रभावी कार्यवाही करते हुए इंस्पेक्टर मीरापुर की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और पंचायत इलेक्शन को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सर, क्या कोई इसको इनाम वगैरह?